ये फैसला उनका खुद का है, और जहाँ तक हमारा अपना हमको जहाँ तक पता है, और तो आला कमान जाने चिरा बॉस इज ऑलवेज राइट है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हम लोग एक सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के, हम लोग को जो आदेश मिलेगा, जो कार्य मिलेगा, मैं उसको करूँगा, और मैं उस कार्य पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे तन मन धन पसीना लगा दूंगा, खून बहा दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कार से पीछे मैं नहीं हट सकता हूँ। इमाम गजाली का ये संकल्प पहले से भी रहा है और अभी भी है और आने वाले दिनों के अंदर भी रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा से ही लड़ेंगे। जो रूमर फैलाया जा रहा है, जो इस तरह की अफवाह है, वो सरासर गलत है। और यहाँ बराबर देखिए, कल भी वो यहाँ पर आए थे, चिराग पासवान साहब कल भी आए थे जमुई में, वहाँ संवाद था। आप कह रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात अफवाह है, वो जमुई नहीं छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं वो बड़ी ऐतिहासिक जगह है, उसको एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता इमाम गजाली साहब के साथ, और इमाम गजाली साहब चिराग की पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी की तरफ से इनको नई जिम्मेवारी दी गई है, इनकी जिम्मेदारी बदली गई है। तो जाहिर है कई सवाल भी होंगे। गजाली साहब, सबसे बड़ी जो चर्चा है आपकी पार्टी को लेकर, आपके पार्टी के सुप्रीमो को लेकर, उसी पर बात करेंगे। गजाली साहब, क्या चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव न लड़कर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या दोनों जगह से चुनाव? देखिए, ये फैसला उनका खुद का है, और जहाँ तक हमारा अपना हमको जहाँ तक पता है, और तो आला कमान जाने चिराग, बॉस इज ऑलवेज राइट है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हम लोग एक सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के, हम लोग को जो आदेश मिलेगा, जो कार्य मिलेगा, मैं उसको करूँगा, और मैं उस कार्य पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे तन मन धन पसीना लगा दूंगा, खून बहा दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कार से पीछे मैं नहीं हट सकता हूँ। इमाम गजाली का ये संकल्प पहले से भी रहा है और अभी भी है और आने वाले दिनों के अंदर भी रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा से ही लड़ेंगे। जो रूमर फैलाया जा रहा है, जो इस तरह की अफवाह है, वो सरासर गलत है। और यहाँ बराबर देखिए, कल भी वो यहाँ पर आए थे, चिराग पासवान साहब कल भी आए थे जमुई में, वहाँ संवाद था। आप कह रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात अफवाह है, वो जमुई नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सुनिए, अब पार्टी हमारी क्या करेगी नहीं करेगी वो अलग सी बात है, आला कमान हमारे क्या करेंगे वो अलग सी बात है, लेकिन हमको जहाँ तक हमारा जहाँ तक अनुमान है कि चिराग पासवान साहब हमारे जमुई लोकसभा से ही लड़ेंगे, मेरा अपना एक अनुमान। इसलिए इसे बता रहा हूँ मैं आपको कि जमुई की जनता बहुत प्यार करती है, बल्कि बहुत जमुई को बोला है कि मैं यहाँ जवान होकर आया हूँ, यहाँ से बुढ़ा होकर ही जाऊंगा। तो आपके सीमांचल से चुनाव लड़ने के वादे का क्या हुआ? आपने भी तो वादा किया था कि सीमांचल से चुनाव लड़ने का वादा आज भी है मेरे पास, अभी भी है। और हर इंसान देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, राजनीति क्या है, हर इंसान आता है तो उसका कहने की एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। हम अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ड्रीम है, जब हम देखते हैं कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान का आज के टाइम में, हिंदू मुस्लिम, ये अच्छी बात नहीं है ये, और नहीं होना चाहिए। अरे एक अपना एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक हर धर्म का एक गुलदस्ता है, एक बगीचा है, उस बगीचे को संभलों को संवारना है। और यहाँ तक सीमांचल का सवाल रहा, तो मैं चाहूँगा कि सीमांचल के अंदर इसमें लड़ना चाहता हूँ कि वहाँ की आवाम बहुत भोली भाली है, वहाँ गरीबी बहुत है, वहाँ बेरोजगारियाँ बहुत है, वहाँ काम नहीं है। जो लोग और लोग बाहर से हैदराबाद से आकर के वहाँ पर नेता बन सकते हैं, क्या इमाम गजाली वहाँ चुनाव कर सकता है? शेखपुरा की धरती का बिहार करने वाला मैं हूँ, इस बिहार में पैदा हुआ हूँ, क्या हमारा हक नहीं है सीमांचल जाना? हैदराबाद से लोग सीमांचल आ सकते हैं, हैदराबाद के लोग को लोग नेता बना सकते हैं सीमांचल में। चिराग जी से बात हुई सीमांचल लड़ने को लेकर? चिराग पासवान अगर चाहे तो मैं लड़ूंगा, नहीं चाहे मैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं, बात हुई कि नहीं? नहीं, अभी बात मेरी नहीं हुई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है लड़ने की। मैं चाहूंगा कि मुस्लिम चेहरा के अंदर मुझे अगर दिया जाए अल्पसंख्यक चेहरा में, और मैं तो अपना मैं खुश नसीब हूँ, बीजेपी से फाइनल अभिषेक बाबू, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, लेकिन हम हमारे हिंदू समाज के भाई जो मेरे शाना बशाना साथ रहते हैं और मुझे अपने पलकों में बैठाते हैं, मैं खुश नसीब हूँ इस बारे में। रहा सवाल ये कि बीजेपी और वो तो आला कमान का फैसला है। चलिए, तो आला कमान का फैसला है। इमाम गजाली साहब हमारे साथ थे, हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।